हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं रिया तिरके का पोर्ट्रेट। सो अगर आप रिया तिरके को नहीं जानते तो पहले आप जाके सर्च कर लो कि वो कौन है, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो हमारी झारखंड की एक ट्राइबल मॉडल है और मिस फेमिना इंडिया की फिनालिस्ट रह चुकी है। सो आज मैं उनका स्केच ड्रॉ करने जा रहा हूँ और बहुत ही प्यार से और बहुत ही मेहनत से स्केच को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और चारकोल पेंसिल से मैं स्केच को पूरा ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सो किस तरह का एक्सपीरियंस मेरा होता है चारकोल से, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट्स दो तीन ड्रॉ किया हूँ और यहाँ पर मुझे सॉफ्ट शेड्स को अप्लाई करके इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक फटाक से पहुँच जाए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप चारकोल से ड्रॉ करते हो तो चारकोल से ड्रॉ करते हो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप शेडिंग अप्लाई करो तो बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपको शेड्स को अप्लाई करना है। जिस तरह से इस जगह पे थोड़ा शेड्स को बिल्कुल स्मूथ आपको सेट करना होता है, और बाकी एरिया जहाँ डार्क वाले एरियाज है वहाँ पर तो आप हल्का डार्क करके पेंसिल को कर सकते हो प्रेशर के साथ, बट जहाँ पर लाइट आपको हाईलाइट्स देने वहाँ पर बिल्कुल आपको स्लोली तरीके से ब्लेंड करना है, शेडिंग करना है। तो ये कुछ फंडा होता है, बस इसी तरह से आपको बस ग्रेफाइट वाला ही रूल यहाँ पर लगता है, बिल्कुल लेयर बाय लेयर आपको। आप चाहो तो डिफरेंट टाइप्स के पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सॉफ्ट शेड वाला सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ करके पूरा स्केच को ड्रॉ किया हूँ और बहुत ही प्यार से ड्रॉ किया हूँ। सो आप लोग देखिए और कैसा लग रहा है वो प्लीज़ बताइए। बाकी यही कुछ प्रोसेस इसे ड्रॉ करने का, और यहाँ पर कंप्रेस्ड चारकोल का मैं यूज़ किया हूँ हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। लाइक करना, हमारा चैनल पर पहली बार आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और रिया दी आप देख रहे हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट आर्ट वीडियो में, टिल देन बाय। आप अगर 10 रुपये में जानना चाहते हो कि किस तरह से फ्रेम घर बैठे बना सकते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो टैप करके आप वीडियो देख सकते हो। तो